भगवान मान के नशे में होने के कारण फ्लाइट में हुई देरी, लुफ्तांसा एयरलाइंस का आया ये रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का अटेगर न्यूज में स्वागत है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लग रहा है कि उनके शराब के नशे में धुत होने के कारण जर्मन एयरलाइंस लुफ्तांसा की फ्लाइट में देरी हुई। श्री रोमड़ी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने भी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मान पर यह आरोप लगाया। इस मामले पर लुफ्तांसा एयरलाइंस की प्रतिक्रिया आई है। दरअसल एक यूजर ने विमान कंपनी को ट्विटर पर टैग करते हुए पूछा कि क्या एक भारतीय का नशे में होना निर्धारित उड़ान में देरी के लिए संभावित खतरा बना। इसके जवाब में लुफ्तांसा एयरलाइंस ने लिखा, आने वाली उड़ान में देरी और एक विमान परिवर्तन के कारण फ्रैंकफर्ट से दिल्ली के लिए हमारी उड़ान निर्धारित शेड्यूल से देरी से रवाना हुई। लुफ्तांसा एयरलाइंस ने यूजर के सवाल का जवाब दिया है, लेकिन अभी मामले में उसका आधिकारिक बयान आना बाकी है। एयरलाइंस ने भी अभी तक इस बात की पुष्टि या खंडन नहीं किया है कि फ्लाइट की देरी में सीएम भगवंत मान शामिल थे या नहीं। बता दें कि भगवंत मान 11 से 18 सितंबर तक जर्मनी के दौर पर थे। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि नशे में धुत होने के कारण मान को फ्रैंकफर्ट में लुफ्तांसा के विमान से उतार दिया गया, जो कि दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था। मान पर आरोप लगा कि उनके नशे में होने की वजह से फ्लाइट को उड़ान भरने में देरी हो गई थी। मामले को लेकर श्री रोमड़ी अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने मान पर दुनिया भर के पंजाबियों को शर्मिंदा करने का आरोप लगाया है। सुखबीर बादल ने ट्वीट में लिखा, यात्रियों के हवाले से परेशान करने वाली मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लुफ्तांसा की फ्लाइट से इसलिए उतारा गया कि उन्होंने इतनी शराब पी रखी थी कि चल भी नहीं पा रहे थे और उड़ान में 4 घंटे की देरी हुई, वह आपके राष्ट्रीय अधिवेशन में नहीं जा पाए। इन खबरों ने शर्मसार किया है और दुनिया भर के पंजाबियों को शर्मिंदा किया है। उन्होंने आगे लिखा, यह चौंकाने वाला है कि पंजाब सरकार अपने मुख्यमंत्री को लेकर इन रिपोर्ट पर चुप है। अरविंद केजरीवाल को मामले पर सफाई देनी चाहिए। भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें पंजाबी और राष्ट्रीय गौरव शामिल है। अगर उन्हें विमान से उतारा गया था तो भारत सरकार को अपने जर्मन समकक्ष के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए। मामले को लेकर बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि मान ने केजरीवाल से वादा किया था कि वह भारत में शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, न कि विदेश में। आम आदमी पार्टी ने मान को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का खंडन किया है। आप प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने मीडिया को जानकारी दी कि सीएम मान अपने तय शेड्यूल के अनुसार 19 सितंबर को जर्मनी से फ्लाइट लेकर दिल्ली वापस आ गए थे। इसके लिए वह 18 सितंबर को फ्लाइट में सवार हुए थे। उन्होंने कहा कि सीएम मान पर लगाए जा रहे आरोप निराधार और प्रोपोगंडा है। आप सभी का इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जगह सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।